Hello students of class 10th. Today I am going to explain you one of the very good questions, that is a lens has two different power, that is 2 diopter and 4 diopter. Through that you can decide the nature of the lens, and secondly you can find the magnification of this lens. For finding the magnification, all of you know that you know the image distance. So how you get the image distance? Through that you can find through the calculation. Now see here, the power of P1 is 2 diopter, so that's why focal length we are finding 1 upon P1 equals to 1 upon 2, 0.5 meter, और ये हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर. इसी तरीके से 50 सेंटीमीटर होने की वजह से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव है. दूसरा हमारा पावर अगर हम दूसरे लेंस का देखते हैं तो हमारा नेगेटिव है. इसमें अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे 1 अपॉन P2 तो 1 अपॉन -4 होगा, जिसकी कैलकुलेशन से हमारा -25 मीटर आएगा, 0.25 मीटर. फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा -25 सेंटीमीटर होगा. माइनस चूंकि फोकल लेंथ हमारा हो जाता है तो इसलिए हम इसको कॉनकेव लेंस कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने दोनों लेंसेस के नेचर को समझ लिया. अब हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट का आपको डिस्टेंस दिया गया है -100 सेंटीमीटर, जो कि यू हमेशा 100 में होता है. हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है जिसमें हमने फोकल लेंथ पहले निकाल लिया, F1 वाला 50 सेंटीमीटर है. तो चलिए हम इसके लेंस फार्मूला से देखते हैं. फर्स्ट केस में अगर हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू हमारा 1 अपॉन F हो जाता है, दैट इज जो हमारा ये F1 है. तो 1 अपॉन V इक्वल्स टू हमारा ये F1 हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको क्लियर हो कि ये F1 ही है. तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन U होगा, जिसके कैलकुलेशंस करने से 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 100 होगा. फिर इसको हम फर्दर अगर एलसीएम इन दोनों का ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1, जिससे कि हमारा ये 1 अपॉन 100 आएगा. और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा इमेज डिस्टेंस जो पहला आ गया वो 100 सेंटीमीटर है. अब इमेज डिस्टेंस आने के बाद हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं तुरंत. तो इस लेंस का मैग्निफिकेशन जो हमारा होगा वी अपॉन यू के फॉर्मूले से 100 अपॉन -100, जो कि हमारा -1 हो जाता है. चलिए इसका हम सेकंड केस देख लेते हैं जो लास्ट पार्ट क्वेश्चन का है. हमें फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है कि 100 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे V निकालना है, और F2 हमने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि ये हमारा -25 सेंटीमीटर है. अब लेंस फॉर्मूला में फिर से पहले की तरीके से हम यूज करते हैं 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F2. तो ये फॉर्मूला अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 1 अपॉन V2 जो होगा इक्वल्स टू 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन U हो जाएगा. अब इसमें हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं तो ये हमारा 1 अपॉन -25 है, और माइनस 1 अपॉन बच्चों ये 100 होगा. फिर इस केस में आप क्या करेंगे कि यहां पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 आने के बाद सॉल्व करेंगे तो -4 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, और फिर 100 से 1 तो -4 -1, और इस तरीके से कैलकुलेशन से -5 / 100 तो -1 अपॉन ये 20 होगा. और इस तरीके से हमारा ये सेकंड टाइम्स V2 निकल जाएगा, जो कि सेकंड ये हमारी इमेज हो जाती है. अब हम इसका मैग्निफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं. तो मैग्निफिकेशन के लिए जैसे हमने फर्स्ट केस में सॉल्व किया था वैसे यहां पर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा ये सेकंड केस में भी मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने आपको यहाँ बता रखा है कि ये M2 हम निकालने जा रहे हैं. तो ये हमारा हो गया V2 अपॉन U, क्योंकि U नहीं चेंज हो रहा है दोनों केसेस में. तो हमारा देखिए V2 हमारा कितना है, ये -20, और U हमारा जो है ये 100 है, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5. इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 0.2. तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड मैग्निफिकेशन लेंस का आ गया वो 0.2 आ गया. तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसमें आप क्या करते हैं, नेचर ऑफ लेंस को समझते हैं. नेचर ऑफ लेंस को समझने के बाद इसमें आप इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इमेज डिस्टेंस निकालने के बाद इसमें आप मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इस तरीके से हमने आपको कुछ असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. वैसे भी एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चंस निमेतल के दिए गए, उनको सबको अच्छे से लगा करके आप चेक कर सकते हैं. ओके.